ये चर्च 1581 में पुर्तगालियों ने बनवाया था। कन्फेशन के लिए चर्च में, और लकड़ी का बहुतायत में उपयोग। फोटोग्राफ आई थिंक सेंट सेबेस्टियन का एरो लगा हुआ ही फोटो है ये। सेंट सेबेस्टियन का बहुत प्रभाव है यहाँ पे चर्च पे, सभी सेंट सेबेस्टियन की फोटोज, सभी फोटो में सेंट सेबेस्टियन। दिस इज कॉल्ड एम्बो। This is duplicate of Saint Sebastian sculpture, bringing for Elam, Italy. And this is crucifixion of Christ. और ये चर्च बाहर से ऐसा दिखता है जो कि पुर्तगालियों ने 1581 में बनवाया था, और उसके बाद में इसका दो बार रेनोवेशन हुआ है, रिबिल्ट किया गया है, और सेंट सेबेस्टियन को समर्पित ये चर्च। लेकिन अब इसका उपयोग नहीं कर किया जाता है, शायद रेनोवेशन चल रहा है, और इस चर्च का उपयोग किया जाता है। इसे 60 साल हुए हैं, और इस चर्च में सेंट सेबेस्टियन का ओरिजिनल स्कल्पचर जो कि मिलान से लाया गया था इटली से। इस चर्च को 60 साल पहले ही बनाया गया है। ये सेंट सेबेस्टियन का ओरिजिनल स्कल्पचर लगा हुआ। क्राइस्ट के जीवन पे आधारित ये बहुत सारी फोटोएं स्कल्पचर यहाँ पर बने हुए हैं। ये क्राइस्ट क्रॉस ले जाते हुए, वो क्रूसिफिक्सेशन का स्कल्पचर फोटो, और वो कोड़े मारते हुए रोमन सैनिक, और ये चर्च इस तरह से है। द रेजरेक्शन, फिर से दोबारा जीवित हुए क्राइस्ट का स्कल्पचर। द असेंशन, द डिसेंट ऑफ होली स्पिरिट, Assumption of Blessed Virgin Mary, the Coronation of Blessed Virgin Mary, इसे सेंट एंड्रयूज बेसिलिका भी कहते हैं, Annunciation, the Visitation, the Birth of Jesus, Presentation of Jesus in the Temple, the Finding of the Child Jesus in the Temple, बहुत से और भी स्कल्पचर बने हुए, और वो एक जहाज की पॉलिश की जा रही है, क्योंकि जनवरी मंथ में बहुत बड़ा कॉन्ग्रीगेशन है यहाँ पर, और ये चर्च 60 साल पहले बनाया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।